सो मैं अभी आया हूँ पहाड़ों में, जस्ट टू रिव्यू दिस मोटरसाइकिल. दिस इज़ दी बजाज पल्सर NS 200. आप लोगों में से काफ़ी से लोगों ने बहुत डिमांड किया इसका कि चलो इसको करो. तो इसका वही नए चेंजेस है, ऑलरेडी इसका वीडियो आ चुका है, बट इसके कुछ राइड रिव्यूज़ है जो मुझे पहाड़ों में करने थे, तो वो मैं आज कर रहा हूँ. सो आज के इस वीडियो में इसको डिटेल में बात करेंगे, इसके खामियाँ, इसके एडवांटेजेस को जानेंगे एंड इसको रिव्यू करते हैं. सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन दिस रिव्यू. सो फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको वही सेम विंडशील्ड देखने को मिलते हैं. जो LED हेडलाइट सेटअप है वो अलग है, थंडर जैसा लोगो आपको देखने को मिलते हैं. ऊपर में आपको LED मिलते हैं, नीचे आपको LED मिलते हैं, तो दोनों हाई बीम लो बीम दोनों अलग अलग है. और ये जो DRL चलते रहता है, सो सेम DRL को थोड़ा एनलार्ज करके यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प देके NS 400 का हेडलाइट जो है डिज़ाइन किया इन्होंने. सो आई रियली विश यही हेडलाइट को अगर कंटिन्यूटी में करके अगर NS 400 में अगर करते तो एटलीस्ट बेटर दिखता. आपको कौन सा हेडलाइट पसंद है आप मेरे को कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताना. उसके अलावा यहाँ पे आपको USD सस्पेंशन देखने को मिलता है, जिसके कारण इसका स्टेबिलिटी थोड़ा अच्छा हो गया है. सामने आपको मेटल के नमब फ्रेम होल्डर देखने को मिलता है, जो कि NS 400 में प्लास्टिक के हैं. दैट लुक्स मोर सुपीरियर क्वालिटी. नाउ कमिंग टू द व्हील सेक्शन, ये जो एलॉय है ये न्यूली डिज़ाइन किया है ताकि इससे थोड़ा वेट रिडक्शन हो. सामने आपको ग्रेमिका के ब्रेक पैड्स देखने को मिलते हैं, डिस्क जो है 300mm के हैं एंड एलॉय जो है वो आपका इन्होंने स्पेसिफिकेशन नहीं दिया कि N250 के है कि NS 200 के हैं, बट ये थोड़े से वेट रिड्यूस्ड वाले एलॉय हैं. रेस्ट यहाँ पे आपको यूरो ग्रुप के टायर मिलते हैं. टायर के से तो मैं भाई नाखुश हूँ, पता नहीं कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, क्वालिटी उतना अच्छे नहीं दे रहे हैं, बॉडी फ्रेम में आवाज़ें हैं, यू नो मामले क्वालिटी कंट्रोल थोड़ा अच्छा नहीं है. प्राइस रिड्यूस्ड है, इसके कारण आपको टायर भी यूरो ग्रुप से मिलते हैं. आपको ब्रेक पैड्स मतलब ब्रेक के जो कैलिपर्स है वो भी आपको ग्रेमिका के मिलते हैं. सो यस, दे डू द कॉस्ट कटिंग ओवर हियर. 100 and 80 17 सेक्शन के टायर के साइजेस हैं. नाउ कमिंग टू दिस सेक्शन, आई मीन लाइक यहाँ पे आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, तो इसके कारण आपको यहाँ पे रेडिएटर देखने को मिलते हैं. दिस इज़ दी रिजर्वर लोकेशन जहाँ पे आपको दिखता है कि कूलेंट कितना है. लेग गार्ड मिलते हैं, पेरीमीटर फ्रेम जो कि NS 400 में फर्दर नहीं गया, NS 400 में जो है डोमिनेट के पेरीमीटर फ्रेम गए हैं. दिस इज़ द फर्स्ट 200cc मोटरसाइकिल जिसमें आपको ट्रिपल स्पार्क प्लग मिलते हैं, तो राइट और लेफ्ट दोनों एक आपको स्पार्क प्लग देखने को मिलता है, सेंटर में आपको एक स्पार्क प्लग देखने को मिलते हैं. सेम चीज़ RS में भी है. दिस इज़ दी फर्स्ट 200cc इंजन जिसमें आपको ट्रिपल स्पार्क प्लग देखने को मिलते हैं. इंजन की बात करें तो 199.5cc का इंजन है, 24.5 bhp, 18.68 Nm टॉर्क. इट कम्स विद लिक्विड कूल्ड FI इंजन विद स्लिपर क्लच. दिस इज़ दी फर्स्ट 200cc मोटरसाइकिल इन बजाज जिसको स्लिपर क्लच मिलता है. आई नो लॉट ऑफ पीपल विल बी काउंटरिंग कि इसमें नहीं है, बट आप इसका मैनुअल चेक करें ना, वहीं पे लिखा हुआ है इट गेट्स अ स्लिपर क्लच. तो आज से 4 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने डेमोस्ट्रेशन भी दिया था, उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं क्रिटिक्स जो बहुत कमेंट कर रहे थे कि इसमें स्लिपर क्लच नहीं आता है. बट इफ़ यू आर अ ट्रू राइडर, इफ़ यू नो द इंजन व्हेन यू राइड, व्हेन यू एक्सपेरिमेंट, यू गेट टू सी एंड नो दैट यस इट हैव गॉट अ स्लिपर क्लच. सो यस, जो लोग ये 2024 वाला वर्जन लेंगे उनको यहाँ पे स्लिपर क्लच मिलेगा. यहाँ पे आपको बेली पैन देखने को मिलते हैं, ब्रेक लीवर, फुटरेस्ट, डबल स्टैंड आपको देखने को मिलते हैं. डबल स्टैंड जो है कॉर्निंग के टाइम पे कई बार लग जाता है अगर आप पिलियन के साथ चला रहे हो. तो एज ए एक्सपीरियंस राइडर मैं आपको ये कहूँगा कि एग्जॉस्ट, ये जो अंडरबेली एग्जॉस्ट है इसमें स्पीड ब्रेकर्स वगैरह लगते रहते हैं जब आप इसको पिलियन के साथ चलाओगे. अगर स्पीड ब्रेकर थोड़ा सा बड़े हुए तो अगर आप सोलो भी हो तब भी ये जो डिस्टेंस है ये कवर हो जाता है, तो इसमें आपका एक जो स्पीड ब्रेकर है वो लग जाते हैं. अगर आप कॉर्निंग वगैरह कर रहे हो तो यहाँ पे आपका लग सकता है, अगर आप पिलियन के साथ हो, सैडल वगैरह अगर है आपके साथ तो. और एक चीज़, एक टाइम बाद इसका डैम्परिंग थोड़ा घट जाता है, मोनो सस्पेंशन है पीछे की तरफ, बट इसका डैम्परिंग थोड़ा घट जाता है, जिसके कारण क्या होता है ये और ये सेक्शन ये दो लगने लग जाते हैं. जब आप लॉन्ग राइड वगैरह करते हो, सैडल वगैरह रहता है, पिलियन रहता है, तो ये चीज़ डेफिनेटली लग जाता है. तो ये आपको इन फ्यूचर आपको झेलना पड़ेगा. उसके अलावा पीछे आपको 230mm के ग्रेमिका के ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, सेम वही आपको वेट रिड्यूस्ड आपको अलाउ देखने को मिलते हैं. हीरो ग्रुप के टायर्स हैं, 130 17 17 सेक्शन के आपको टायर देखने को मिलते हैं. जो पीछे और सामने दोनों में आपको ABS देखने को मिलते हैं. पीछे आपको 230mm के डिस्क मिलते हैं. मड हगर दिस सेक्शन, ये जो सेक्शन ये NS 200 और NS 400 में दोनों में सेम है. LED इंडिकेटर्स, दिस इज़ द टेल लैम्प एंड दिस इज़ द ग्रैब रेल. NS 200 का यहाँ पे बैजिंग है. सीट जो है पीछे का पिलियन के लिए बहुत हार्ड है और ये जो है ये काफ़ी सॉफ्ट सीट है. उसके अलावा इस तरफ आते हैं तो डबल स्टैंड, सिंगल साइड स्टैंड विद ऑटो कट ऑफ, 6-speed गियरबॉक्स, आपको गियर लीवर देखने को मिलते हैं. गियर के मामले में अगर मैं बात करूँ तो गियर शिफ्टिंग उतना कुछ स्मूथ नहीं है. गियर शिफ्टिंग का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही बेकार रहा है, बिकॉज ये बहुत बार अटक जाता है, न्यूट्रल नहीं होता है और 1, 2, 3 के बीच में ये बहुत फ्लक्चुएट करता है. सो गियर शिफ्टिंग इश्यूज़ मुझे सिटी में बहुत ज़्यादा आए थे, तो पता नहीं ये सारे मॉडल्स में मुझे ज़्यादा फील हो रहा है, पुराने वाले मॉडल्स में उतने नहीं है. बट आई मीन लाइक यस, मे बी आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दिस गियर रॉड माइट गेट स्मूथ
एंड देन आपको गियर शिफ्टिंग इश्यूज शायद से नहीं हो सकते इन फ्यूचर. एंड दिस इज ऑल अबाउट, यहाँ पे आपको डबल एक्स स्ट्रैप देखने को मिलता है, फ्यूल इंजेक्टेड, एंड दिस इज द टैंक. तो टैंक जो है वो 12 लीटर का है एंड माइलेज इज अराउंड कंपनी क्लेम्स 40, बट आई वुड से 35 टू 36 का आपको माइलेज मिलेगा. E20 कंप्लाइंट इंजन है, तो यस इट्स ए अपडेटेड वर्जन. उसके अलावा यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम एम बटन मिलता है जिससे आप कॉल वगैरह रिसीव कर सकते हो, इंडिकेटर, हॉन्क एंड क्लच लीवर्स. ब्रेक लीवर्स जो है इसमें एडजस्टेबल नहीं आते, बट एन एस 400 में एडजस्टेबल आते हैं. मीटर्स की क्वालिटी आप देख लो, ये दिस इज द मीटर क्वालिटी, यू नो मतलब क्वालिटी कंट्रोल हैव गेटिंग डिटोरिएटेड. यहाँ पे अगर मैं इसको इंजन को अगर ऑन करता हूँ साउंड, आई वुड से इन 200 cc सेगमेंट ना सबसे अच्छा बेसी बूमी साउंड करने वाला यही एक मोटरसाइकिल है. यहाँ पे आपको स्विच मिलता है जिससे आपका सामने का लाइट वगैरह जलेगा एंड ये किल स्विच है. दिस इज द स्पीडोमीटर जो कि डिजिटली है, पहले एनालॉग एंड टैकोमीटर के साथ आते थे लेकिन अभी ये पूरा डिजिटल हो चुका है. दिस इज द डिजिटल टैकोमीटर, फ्यूल गेज एंड गियर इंडिकेटर यहाँ पे है, किलोमीटर्स कितने चला चुके हैं, साइड स्टैंड टाइम, ये पल्सर का कोड है मतलब ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है तो यहाँ पे आपको कोड मिलता है, आप इसको स्कैन करोगे एंड देन यू कैन कनेक्ट. अगर आप इसको ऑफ करके अगर आप इसको ऑन करते हो आप देखोगे यहाँ पे आपको यू नो लोकेशन वगैरह भी आपको दिखाया, मतलब आप नेविगेशन कर सकते हो. एंड ये ब्लू लाइट जो ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब ये ब्लूटूथ डिवाइस को सर्च कर रहा है. सो अगर आपका डिवाइस कनेक्टेड है तो ये कनेक्टेड हो जाएगा, उसके बाद ये ग्रीन और रेड कलर का लाइट आपको देगा इन टर्म्स ऑफ सिग्नल्स. अगर कॉल वगैरह आते हैं तो आप इससे रिसीव कर सकते हो. यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है जो कि कुछ काम का नहीं है, मतलब चार्ज लगाओगे भी तो कितना ही फास्ट चार्जिंग होगा, नहीं होता चार्ज. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी यू नो बाइक. एंड अभी इसको चलाते हैं ऑन रोड, इसको पहाड़ों के रास्तों में चलाते हैं एंड देखते हैं इसका जो इन डेप्थ नो राइड रिव्यू करते हैं एंड देखते हैं इसके रोड में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस राइड रिव्यू. बैक ऑन द रोड विथ NS 200, वन ऑफ माई फेवरेट मोटरसाइकिल इन 200 cc सेगमेंट, बट आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद दिस टायर्स. आई मीन लाइक यूरो ग्रिप का टायर है, 130 सेक्शन. आई मीन लाइक ग्रिप क्वालिटी भी कुछ खास नहीं है, टायर के साइज भी छोटे हैं, तो कॉर्नरिंग वगैरह करते समय थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है. दिस इज व्हाट यू गेट द कंसोल अपडेटेड. एग्जॉस्ट साउंड तो बहुत अच्छा है, चलाते इसको. आफ्टर 4500 RPM या 5.5 RPM के बाद ये ओके, सो आफ्टर 6.5000 RPM ये खींचता है. क्या यार, थ्रॉटल दबा के रखा हूँ, कॉर्नरिंग ले रहा हूँ. देखो इसका सस्पेंशन के बारे में अगर मैं कहूँ ना तो इट्स प्रिटी हार्ड सस्पेंशन. देखो इट्स सॉफ्टर एज कम्पेयर टू RS 200, ओके, बट सस्पेंशन इज ऑन हार्डर साइड, सीट इज हार्डर एंड विद टाइम मे बी इट माइट गेट सॉफ्ट, यू नो अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी दे हैव यूज्ड, विद टाइम ये थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं एज अ NS राइडर एक्सपीरियंस मैं आपको कह सकता हूँ. रेस्ट यूरोप के टायर्स हैं तो यू कैन नॉट रिलाई ऑन सम गुड यू नो कॉर्नरिंग्स एंड ऑल बिकॉज इट्स यूरो ग्रिप. बजाज इज मेकिंग अ लॉट ऑफ कॉस्ट कटिंग, टायर्स इन्होंने यूरो ग्रिप के देने चालू कर दिया जो कि उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं लग रहे मुझे. एंड इन टर्म्स ऑफ दैट कि बाकी सारी चीज़ों को देखो, जैसे मैं ये मिरर्स के बारे में अगर आपको कहूँ तो ये मिरर्स ना बहुत ही टेढ़े मेढ़े से हैं, मतलब लूज है. एंड अगर मैं इसको सेट भी कर रहा हूँ तो ये एक ना एक ऐसा एंगल पे है, ये प्रॉपर सीधा भी नहीं हो रहा है, मतलब मुझे नीचे नहीं दिखेगा, इट शुड बी ओवर हियर, तो वो नहीं हो रहा है. व्हाट आई फील, जितना समय बीत रहा है NS 200 हो या बजाज का दूसरे यू नो बाइक्स हो, उसमें क्वालिटी कंट्रोल का कुछ उतना ध्यान नहीं रख रहे वो लोग. दे आर जस्ट इन हार्ड एंड फास्ट कि भाई हम इसको नो वो कर दें, मतलब बाइक बेचो, गाड़ी बनाओ, बेस से निकालो और गाड़ी को बेचो.
Now coming on to the suspension, सामने आपको USD suspension देखने को मिलते हैं, तो उससे आपको stability काफ़ी अच्छा है as compared to the telescopic suspension, मतलब BS2, BS3, BS4 में जो आते थे उससे तो ये ज़्यादा better है, because आप turn वगैरह ले रहे हो, you can see road में थोड़े बहुत bumps है, लेकिन आप एक हाथ छोड़ के भी आप ले सकते हो, because आपको USD suspension जो है बहुत अच्छा एक balance provide करवाता है थ्रू आउट दी कॉर्नर, आपको स्टेबिलिटी मिलता है, पीछे आपको मोनो सस्पेंशन देते हैं तो उससे आपका बाइक का स्टेबिलिटी वाकई में आपको अच्छा मिलता है। स्विंग आर्म भी इज़ क्वाइट रिजिड, सो इट डजंट मेक यू फील दैट यू आर गोना थ्रो आउट ऑफ द रोड। द ओनली टेंशन आई एम हैविंग राइट नाउ इज ऑफ द टायर्स। 6500 RPM के बाद आपको अच्छा एक पिकअप मिलता है। आई फील RS200 से इसका पिकअप ज़्यादा बेटर है as compared to RS200, because last time जब मैंने RS200 चलाया था तो आई हैड टू स्ट्रगल थ्रू आउट द पुलिंग आउट द गैस कि भाई थ्रॉटल दो, बाइक आगे नहीं बढ़ रहा, तो उससे ये थोड़ा बेटर है। इसमें आपको स्लिपर क्लच मिलता है NS200 में, तो जिसके कारण आप डाउनशिफ्ट बहुत अग्रेसिवली कर सकते हैं। सो आई मीन लाइक आई नो लॉट ऑफ पीपल विल नॉट बिलीव, बट प्लीज़ गो थ्रू दी मैनुअल बुक ऑफ दिस NS200, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे क्लियरली मेंशनड है दैट NS200 गेट्स स्लिपर क्लच। सो लेट मी गिव यू अ वेरी स्मॉल डेमो ऑफ स्लिपर क्लच। सो मैं ये डाउन शिफ्टिंग कर रहा हूँ एंड ये टर्न के बाद भी मैं रेव करके डाउन शिफ्ट करता हूँ। सो ऐसे कॉर्नरिंग में मैं अगर डाउन शिफ्ट अगर मैं कर रहा हूँ तो जो मेरा रियर व्हील है उसमें काफ़ी बैलेंस बना हुआ, वो छिटक नहीं रहा। सो आई होप सो द डाउट इज़ क्लियर। अपार्ट फ्रॉम दैट आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि मैं तब से मैं तीन या चौथे गियर पे ही हूँ, मतलब अगर मुझे पिकअप चाहिए तो मैं तीन गियर पे चला रहा हूँ, अगर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं ठीक है चलो मैं ये 60-64 पे ही खुश हूँ, मुझे ओवरटेक नहीं करना है, तो मैं फोर्थ गियर पे हूँ। इन दैट सिनेरियो लाइक आप समझ जाओ कि आपको सिटी में एक या दो पे रहना है और तीन या चार पे आप पहाड़ों में चला सकते हो, जो कि आई बिलीव एनफ है। बट इन टर्म्स ऑफ ओवरटेकिंग, जब मान लो आपको ओवरटेक करना होगा, दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू रिगरसली डाउन शिफ्ट टू गेन दैट RPM, टू गेन दैट टॉर्क टू ओवरटेक अ व्हीकल, इन केस इफ यू आर ट्राइंग टू और प्लानिंग टू ओवरटेक अ व्हीकल ऑन माउंटेन्स। बट येस इट्स वेरी गुड थिंग दैट स्लिपर क्लच होने के कारण जब भी आप ऐसे डाउन शिफ्ट करते हो तो आपको रियर व्हील में किसी भी तरह का कोई ग्लाइड मोशन नहीं दिखता, जिससे आपके कॉन्फिडेंस बरकरार रहते हैं एंड यू कैन डाउन शिफ्ट ईजिली विद पिलियन, विदाउट पिलियन आप जैसे भी चलाना चाहो, यू कैन गो फॉर इट। शो यू द पुल। अगर आप ये मोटरसाइकिल लेते हो और आप पहाड़ों में चलाना चाहोगे तो आपको एक ही चीज़ का दिक्कत होगा, वो ये है कि आपको बार बार अपशिफ्ट डाउनशिफ्ट अपशिफ्ट डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा लाइक RS200। बट ये RS200 से थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा इन टर्म्स ऑफ टॉर्क डिलीवरी, बिकॉज ये थोड़ा और पंचियर है और थोड़ा सा इंस्टेंट आपको ये टॉर्क और ये पंच आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप पिलियन के साथ नॉर्मल पिलियन के साथ आप अगर बैठ के जा रहे हो तो एक टाइम बाद आफ्टर 6 months, 7 months, 8 months जब सस्पेंशन का डैम्परिंग जब थोड़ा घट जाएगा उस समय क्या होगा, जब आप इसको चलाओगे तो आपको जो है
जैसे स्पीड ब्रेकर्स वगैरह आते थे बड़े वाले, वहाँ पे आपका अंडरवेली इसका एग्जॉस्ट का नीचे ना जो स्तर मतलब पैनल है वो आपका टच हो जाएगा, तो उसमें आपको बार बार वो स्क्रैचिंग साउंड आएंगे। इसमें आपको डबल स्टैंड मिलते हैं, सो जब आप इसको लेके टूर पे निकलोगे विद पिलियन विद सैडल बैग एंड ऑल, तो उस समय आपका साथ क्या होगा, जो आप कॉर्नर वगैरह करोगे, अगर मान लो आप मेरी तरह थोड़ा लीन करके कॉर्नर वगैरह करते हो, तो उस समय क्या होगा, आपका जो डबल स्टैंड है वो भी नीचे स्क्रैच होते रहेगा, बिकॉज आई एम अ एक्सपीरियंस्ड 200 NS ओनर, तो आई नो दी पिन पॉइंट्स, यू नो पिन पॉइंट्स कह सकते हैं ऑफ NS 200। अपार्ट फ्रॉम दैट हेडलाइट इज़ नॉट दैट सो यू नो पावरफुल, बिकॉज LED लाइट से तो आप उससे उतने पावरफुल जो थ्रो है वो आप एक्सपेक्ट मत करो। पहले वाले जो हैलोजन हुआ करते थे उसमें हम लोग नाइट आई या बाहर से कोई थर्ड पार्टी बल्ब या LED लाइट लगाते थे, तो उससे ज़्यादा बेटर लाइट थ्रो मिलता था, बट यू ऑल्सो गॉट ऑप्शन टू यू नो टू पुट दिस फॉग लाइट्स, तो आप फॉग लाइट वगैरह भी लगा सकते हो। एंड रेस्ट इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है, तो अगर कॉल वगैरह आता है तो आप ये M बटन से आप इसको रिसीव कर सकते हो या कट कर सकते हो। वेल इन सिटी राइड्स यू विल गेट अराउंड 35-36 का माइलेज, एंड वाइल्ड टूरिंग यू माइट गेट 37-38, बिकॉज अगर आप एक स्ट्रेच पैच में अगर आप चलाते हो तो आपको 36-37 का आपको माइलेज मिल जाएगा। कंपनी क्लेम्स 40 बट इट नेवर गिव्स यू 40। एंड सैडल वगैरह रहेगा, बैग वगैरह रहेंगे, पिलियन भी रहेगा, तो ऑफकोर्स आपको माइलेज उतना अच्छा देगा नहीं। एंड आई प्रेफर टू पुट यू नो 140 सेक्शन टायर इन रेयर, ताकि आपको अच्छा यू नो कॉर्नरिंग ग्रिप मिले, अच्छा बैलेंस मिले, तो वो आप लोग लगाओगे तो उससे ऑफकोर्स आपको 1-2 किलोमीटर का आपको जो है माइलेज आपका ड्रॉप डाउन हो जाएगा। उसके अलावा ब्रेक्स आर रियली गुड, इट हैव गॉट डुअल चैनल ABS, चैनल ABS होने के कारण यू गेट मोर कॉन्फिडेंस। ग्रेमिका के ब्रेक्स हैं तो यू गेट दैट यू नो अ गुड अमाउंट ऑफ बाइट as compared to you know Bibre, but I feel Bibre is more better, but yeah, I mean like Grimica also does pretty good job. 12 लीटर का टैंक है, तो आप सोच लो आपको बार बार थोड़ा बहुत रिफ़िल करवाना पड़ेगा, आफ्टर एवरी 330-340 किलोमीटर्स आपको रिफ्यूलिंग करवाना पड़ेगा। सिटिंग पोस्चर इज गुड, इट्स कम्फर्टेबल, एट अ पॉइंट आफ्टर मे बी 6-7 आवर्स ऑफ राइडिंग यू माइट फील दैट येस यू आर हैविंग अ एक ऑन योर बैक, तो उसमें आप थोड़ा सा रिलैक्स वगैरह कर सकते हो, बट यू नो सिटिंग पोस्चर इज़ गुड, सस्पेंशन इज सॉफ्टर साइड, सो यू डोंट नीड टू वरी मोर अबाउट इट वाइल मेकिंग अ टूर। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो या आई मीन लाइक दिस इज़ ऑल अबाउट द बाइक। सो आपका अगर कोई भी अगर क्वेश्चन है आप कमेंट डाउन कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो, एंड यू कैन लाइक दिस वीडियो, यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, पीपल हु आर विलिंग टू परचेज दिस मोटरसाइकिल इन 2024। बाय बाय, टेक केयर राइडर राइट्स, मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो पे मिलता हूँ फ्रॉम तीन धाड़िया टू सुकना रॉ एग्जॉस्ट साउंड के साथ। बाय बाय।